संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं, इस वक्त करोल बाग में मौजूद हैं। राहुल, शिवांगी, क्योंकि आज से चुनाव प्रचार खत्म हो जाता है और चुनाव प्रचार जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद जितने लोग हैं या जितने जो प्रत्याशी हैं वो सारे के सारे प्रत्याशी आम जनता के बीच में जा सकते हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके की रैली नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से जा करके और या बड़ी सभाएं नहीं कर सकते हैं, वन ऑन वन जो है जा करके मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चुनाव प्रचार अब जब खत्म हो गया है और क्योंकि कई दिनों से तमाम जो नेता थे जाते थे, मिलते थे, सभी से मिलते थे, अब हम क्योंकि मूड ऑफ वोटर जानने के लिए हम लोग पहुंचे हुए हैं और ये करोल बाग का इलाका है। करोल बाग के इलाके में व्यापारी भी ज्यादा हैं, कुछ रिहायशी इलाके के भी लोग आए हुए हैं और यहाँ पर क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों को लेकर के जा करके जनता वोट करेगी, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला भी बोलिए 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 माता जी ने कहा मालूम है क्या, 4 को पता लग जाएगा। देख रहे हो G20, आप G20 देख लो, सबसे बड़ी बात G20 देख लो, हमारी माता बहने सबसे बड़ी, और 370 धारा देख लो, देश के लिए करो, 370 धारा देख लो और रोज पेपर उठा के देख लो, और ये देख लो आप में स्वाति का क्या हाल हो रहा है, स्वाति जी का क्या हाल हो रहा है, जय श्री राम। माता जी ने, माता जी ने, ये सभी लोगों के पास मैं आ रहा हूँ, मैं आइए बोलिए सर, क्या करते हैं आप? हम जॉब करते हैं सर। अच्छा, जॉब करते हैं आप? चलिए सही रहा कि करोल बाग में जब मैं ढूंढ रहा हूँ तो सभी व्यापारी मिल रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, बिल्कुल। ये बताइए, वोट देने के लिए तो जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तीन पहलवान है, एक ही पहलवान एक ही है, नहीं तो तीन और भी तो है, ऐसा थोड़ी नहीं, पहलवान एक ही है, मोदी जी बस। क्या बात है, किसी की बात नहीं, खुश होगी अपनी बार, 400 पार यहाँ कभी नहीं, 450 पार होनी चाहिए, राम मंदिर की 50 है। ये कह रहे हैं कहाँ इसमें है, कोई जोर ही नहीं है, किसमें मतलब विपक्ष में जोर नहीं है, वो तो हमें पता ही है, इसमें कह रहे हैं कि कहीं विपक्ष ठंडा पड़ा सर, विपक्ष ठंडा पड़ा है, क्या महंगाई बढ़ा दिया, बढ़ा दिया, रोजगार नहीं है, लोगों की करोड़ों रुपए की इनकम हो गई, 10 रुपए अभी भी टमाटर 10 रुपए ही चाहिए, ये बात मोदी जी को इसलिए थोड़ा लेके आए हम। अब अगर किसानों की आय बढ़ानी है तो एग्रीकल्चर जो किसान पैदा कर रहे हैं उनके रेट भी तो बढ़ने चाहिए, तभी तो आय उनकी दुगनी होगी। ये थोड़ी के आज सैलरी तो 1-1 करोड़ों में 70-70 हजार में 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं और किसान बेचारा वहीं का वहीं रहे। किसान मेहनत करता है तो आलू क्या पब्लिक को वही 20 रुपए चाहिए या 15 रुपए चाहिए, वो जेब से खर्च करने के, जब किसान की जो लागत है वो तो उसको प्रॉफिट समेत मिलना चाहिए ना, तो उसमें महंगाई कहाँ है? पाकिस्तान में तो 500 नहीं किलो आटा है। आप मेरे से एक एक सवाल पूछो, सारे सबने जो जो सवाल किया ना मैं उनका सबका जवाब दूँ। हाँ बताओ, कुछ पूछो। नहीं, आप ये लोग कह रहे हैं कि तमाम काम हो गया है यहाँ पे, ठीक है, आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई भाई पैसा भी आमदनी भी बड़ी है, आमदनी बड़ी है तो महंगाई भी, यदि गरीब आदमी से पूछो जो 70 सालों में महंगाई नहीं बढ़ी वो आपकी 10 साल में बढ़ गई, 400 पार में जाएगा पेट्रोल, 400 पार में जाएगा, एक मिनट बोलने दो यार। अरे विकास जी बोलने दो, बीच में मत बोलो, कांग्रेस के नहीं, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, अपने अपने समझ है, भीड़ अपनी राम के झटके लगा के बुला ली तो कोई फायदा नहीं उसका। हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, देश की बात कर रहे थे मेरे बड़े भाई, देश की सीमाओं की बात कर रहे थे, आज चीन हमारे कितने किलोमीटर अंदर तक घुसा हुआ है, चीन, एक मिनट सर, चीन वाला मुद्दा नेहरू जी की मेहरबानी है। भाई साहब अभी पेट्रोल की बात कर रहे थे, मैं भाई साहब को याद दिला दूं, जब 2000 इनको शायद ध्यान नहीं है, ये एक ही तरफ चले जा रहे हैं, सवाल का जवाब मैं दूंगा। हाँ, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने
सबको पता है दिल्ली की जनता जागरूक है, दो बार पेट्रोल के रेट 10-10 रुपए कम हुए। केजरीवाल जी ने क्या किया, उसके ऊपर सेल टैक्स बढ़ा दिया। पूछो इनसे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया, अगर ध्यान है तो। केजरीवाल जी ने सेल टैक्स बढ़ा दिया तो पेट्रोल के रेट और बढ़ गए, फिर दोबारा सेल टैक्स बढ़ाया, दो बार सेल टैक्स बढ़ा के पेट्रोल के दाम को वहीं ऊंचाई पे ले गए जहां मोदी जी ने 20 रुपए पेट्रोल को कम किया था। वो ध्यान नहीं है इस साल जीएसटी कितना और दूसरी बात हो क्या आया हुआ है, किसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अरे भाई 70 बार पूरे पूरे अखबारों के फ्रंट पेज पे गड्ढा मुक्त दिल्ली एडवर्टाइजमेंट करोड़ों की, और गड्ढे आज भी यों के यों। दूसरी बात, एडवर्टाइजमेंट किसी का हुआ है क्या इंडिया में? मोदी से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट हुआ है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की सरकार है जो है। ठीक है, पहले जो है पेट्रोल की 4 किलो पेट्रोल यहाँ दिल्ली में कितना है, यूपी में कितना, जहाँ मोदी सरकार है, जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर बात करें कितना है वहाँ पर। लोकल व्यक्ति हूँ मैं, ये कहते हैं ना बिजनेस के लिए, काम धंधे के लिए, यूपी बिहार से व्यक्ति आके आप यहाँ पे करोलबाग में कार एसेसरीज की मार्केट है, डेली 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए एक गाड़ी पे कमाता है। आज उन लोगों ने दिल्ली के अंदर इतनी जगह ले ली है ना, आप सोच नहीं सकते। मैं यहाँ का लोकल व्यक्ति हूँ तो आपको बता रहा हूँ, कार एसेसरीज की मार्केट है करोलबाग में, वहां पर इतना व्यक्ति पैसा कमा रहा है ना, धंधा कैसे नहीं है। मुस्लिम समाज कहते हैं ना कि ये दुर्व्यवहार करते हैं इन लोगों के साथ, जितना मुस्लिम समाज इस टाइम पे करोलबाग में टैंक रोड मार्केट के अंदर कपड़े का व्यापार कर रहा है ना, कोई नहीं कर रहा। और सबसे ज्यादा मोदी जी के राज के अंदर, और सबसे ज्यादा वो लोग यहाँ पर तरक्की कर रहे हैं, इतनी यहाँ पर एक तरीके से पूरा टेक ओवर कपड़ा मार्केट को उन लोगों ने कर रखा है। पूरा बाहर के लोग आके, यूपी बिहार के आदमी आके तरक्की करे, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। मुद्दा सिर्फ एक ही है, आप इनका मेन बात कीजिए, हिंदू मुसलमान आ ही जाएगा, का हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बॉर्डर ये सब पे आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में बात कीजिए महंगाई पे, बेरोजगारी पे, जो लोगों का है उन लोगों पे इसमें बेरोजगार देंगे। अब बताइए टैंक बेरोजगार, यही इन लोगों का यही है कि या तो पकौड़ा बेचो, लड़के लोगों को पढ़ा के बोलेंगे अपने बच्चे लोगों को टैंक रोड में रोजगार लेंगे, ना पढ़ाएं स्कूल में, इनके बच्चे पूछे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो निगम पार्षदपुर की उनके पास जाते हैं ना, सब पे आ जाएगा अभी सर, अभी लोग तो उसमें बीजेपी हारी है, कितना किया लोकसभा में मेयर बनने के लिए, कभी एमएलए आया सड़कों पर, एमएलए उतरा, सांसद आए, कभी आपके सांसद अजय माकन आए, अजय माकन कभी आए, अजय माकन लोग पूरे सांसद आए क्या? अरे रुको रुको भाई, देखिए ये क्योंकि तमाम मुद्दे हैं और इन मुद्दों को लेकर के हम लोग जब करोलबाग पहुंचे हुए हैं, अब देखना ये होगा और उसके बाद वोटिंग होगी, उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसमें भी पता चलेगा कि किसकी सरकार बनती है, कि और कौन जीतता है, या जो भी यहाँ से खड़े थे उनकी दावे में कितनी सच्चाई थी।